नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। यूपीए सरकार के कई बार संकटमोचक बने मुलायम सिंह यादव अब बीजेपी के नजदीक आते नजर आ रहे हैं। मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार को मुलायम का साथ बड़ी राहत का संकेत है। मुलायम ने कांग्रेस को चेतावनी भरे लहजे में समझाइश भी दी है। सपा सुप्रीमो को इस मुद्दे पर जेडीयू, आप और टीएमसी का समर्थन भी मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह का आभार जताकर नई राजनीति के अध्याय का संकेत दिया है। अब बड़ा सवाल है, कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी बनाए रखने वाले मुलायम सिंह यादव का अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? हंगामे के बीच जीएसटी बिल राज्यसभा में पेश कर दिया गया है, ऐसे में मुलायम सिंह और ममता का साथ बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जी हाँ, यही है हमारे आज का विशेष, मोदी के मुलायम। केंद्र की बदलती राजनीति पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। ये पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। कई महत्वपूर्ण बिल अटके हुए हैं, लेकिन विपक्ष सुषमा वसुंधरा के इस्तीफे पर अटका हुआ है। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी बिल पेश किया, लेकिन कांग्रेस ने अपने तेवर वैसे ही रखे और हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई और कांग्रेस को आड़े हाथ में लिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश का विकास रोकना चाहती है, तो वहीं मुलायम सिंह यादव का भी आभार व्यक्त किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा मानना है कि सत्र समाप्ति से जो संवाद मिलता है कि कुछ लोग इस देश के ऐसे हैं जो सदन को माध्यम बना के देश की गति को रोकना चाहते हैं, उनका मूल लक्ष्य है कि देश के आर्थिक विकास के गति को रोके। लेकिन उन्होंने आभार व्यक्त किया और विशेष तौर से मुलायम सिंह यादव जी का आभार व्यक्त किया। एक तरफ मोदी ने मुलायम सिंह यादव की तारीफ की, तो शायद मुलायम को ये रास नहीं आई। पहले मुलायम ने संसद में लगातार विरोध प्रदर्शन करने को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था। हालांकि मुलायम का ये सपोर्ट ज्यादा देर बरकरार नहीं रहा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जाति के आधार पर हुई जनगणना के आंकड़े जल्द ही रिलीज नहीं करती, तो संसद में नए सिरे से टकराव पैदा होगा। जब मैं संघर्ष करता हूं तो एक ही मुद्दे पर करता हूं। तो अब संघर्ष करने वाले हैं, अगर ये जातीय जनगणना करा देंगे, नहीं कराएंगे तो जनता भी जाएगी। एक तरफ बीजेपी ने भारी विरोध के बाद राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने रुख पर अड़ी हुई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जीएसटी बिल का क्या होगा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। सवाल कई हैं, जीएसटी समेत कई सवाल हैं। मुलायम का रुख भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुलायम सिंह ने सरकार का कुछ हद तक साथ दिया है और फिर अचानक उन्होंने एक नई राग छेड़ी। जातिगत जनगणना, जो जनता परिवार की मांग है, उस पर उन्होंने भी आज ऐलान कर दिया। लेकिन उनके इस रुख से सरकार की तकलीफें, सरकार की परेशानी कम हो गई। इसी सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र प्रधान और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपचंद यादव। आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत। प्रधान साहब, कैसे देखते हैं आप मुलायम सिंह का ये बदला हुआ और आपकी तरफ मोहब्बत वाला जो रुख है? प्रधानमंत्री ने भी तारीफ कर दी उनकी। देखिए माननीय मुलायम सिंह जी बड़ी सीनियर लीडर है, पार्लियामेंटेरियन है,
सालों से संसद में रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो जो नॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि संसद में हर विषय पे चर्चा होनी चाहिए, हंगामे भर से काम नहीं चलेगा, तो इसमें मैं तो स्वागत ही करूंगा उनका जो निर्णय है या उनका जो मार्गदर्शन है माननीय सभी सांसदों के लिए है। पर आज भी कांग्रेस ने अपना जो विध्वंसक रूप है उसको छोड़ा नहीं है और आज भी पार्लियामेंट का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सका और जीएसटी बिल चर्चा के मतलब इंट्रोड्यूस तो हो गया पर उस पर चर्चा नहीं हो सकी। निश्चित ही ये निंदनीय कृत्य है जो हमारे कांग्रेस के मित्र संसद को नहीं चलने दे रहे और जीएसटी बिल क्योंकि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने सर्वसम्मत से पास कर दिया है तो उसपे सिंपली सदन में चर्चा होके पास हो सकता है जो देश हित में है और उससे देश को गति और प्रगति दोनों मिलेगी। इसलिए मैं पुनः कांग्रेस के मित्रों से अनुरोध करूंगा कि संसद को चलने दें और जो विषय उनको उठाना है वो सदन में भी उठाए जा सकते हैं। प्रधान साहब, आज आपने मुलायम सिंह को अपने साथ मिला लिया, उन 25 लोगों को बाहर भी कर दिया, फिर भी उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ रहा, बड़ा बड़ी सख्त जान हो गए आजकल, कांग्रेसी अंदाज बदल गया, कुछ विपक्ष का पैतरा भी सीख गया लगता है। देखिए बेसिकली कांग्रेसी हमारे मित्र कहते हैं कि उनका 125 साल पुराना बड़ा गौरवशाली इतिहास है, अब जो सामने दिख रहा वो तो नहीं दिख रहा, वो तो ऐसा लग रहा है कि वो संसदीय परंपराओं को विध्वंस करने के लिए बिल्कुल निर्णय ले चुके हैं भले से देश कहीं भी जाए। जी दीपचंद यादव जी, विध्वंस का निर्णय ले चुके हैं, जीएसटी जनहित में है, उसके बाद भी आप पास नहीं होने देना चाहते हैं, ये है क्या? और मुलायम सिंह का जो रुख है, किसी जमाने में सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हम यूपीए का साथ देंगे कहने वाले मुलायम सिंह, अचानक उनका रुख बदल गया है, कोई पैकेज वैकेज की डील हो गई, क्या लगता क्या है? देखिए जहां तक मुलायम सिंह जी का प्रश्न है, बहुत मैच्योर्ड और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और वे अपनी भूमिका को पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाद बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि वे कभी भी अपने सिद्धांतों से, जो कि सांप्रदायिकता के विरोध में जो उनके सिद्धांत हैं, सेकुलरिज्म के जो सिद्धांत हैं, उससे कभी वो समझौता नहीं करेंगे। और जहां तक अभी जिस बात के बारे में धन्यवाद दिया नरेंद्र मोदी जी ने और जो भी कुछ कहा, किस बात के लिए धन्यवाद दिया है, मेरी बात तो समझ में नहीं आई। अभी मुलायम सिंह जी अपनी बात पर अड़िग हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी की भ्रम फैलाने की स्थिति है समाज के अंदर, देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के लोगों के अंदर, वो भ्रम फैलाने के लिए मुलायम सिंह जी का नाम लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी का कोई ऐसी बात तो बताइए जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में कोई बात कही हो जिसके लिए वो अपना धन्यवाद अदा कर रहे हैं। तो इस तरह का भ्रम फैलाना ये भारतीय जनता पार्टी की तकनीक है, ये मैं समझता हूं कि इनको इन सब चीजों से बाहर आना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहूं कि आपका गौरवशाली इतिहास है दीपचंद जी और अब आप कलंकित कर रहे हैं उसको। हम अपना देखिए जनता के प्रति विपक्ष का आरोप लगाने को तो कोई किसी पे आरोप लगाते हैं उससे वो उनका काम है, वो आरोप लगाते रहे, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी के गौरवशाली इतिहास का सवाल है, कांग्रेस पार्टी जनता के प्रति जो उसके दायित्व है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रति उसके दायित्व हैं, जो उसके ऊपर अड़ी गए और वो हमेशा निरंतर काम करती रहती है। मैं ये कहता हूं कि आज ये प्रधानमंत्री जी बहुत बोलते हैं, बहुत भाषण देते हैं, आप गया में जाके भाषण देते हैं कुछ भी कहते हैं, आप बिहार के लोगों के बारे में डीएनए के बारे में कहते हैं कुछ भी जो आपके मुंह में आ जाए, आप पार्लियामेंट में आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है?
आप अपना अपना जो भी कुछ कहना पार्लियामेंट में इन सब इश्यूज के ऊपर, चाहे वो सुषमा जी का हो, चाहे वसुंधरा का हो, चाहे स्मृति ईरानी का हो, चाहे पंकजा मुंडे का हो, या और जो भी विषय है उसके ऊपर अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे? तो बहुत बोलते हैं प्रधानमंत्री, वहां उन्होंने पूरी तरह से मौन साध रखा है। मौन साधने का मतलब क्या है? इस तरह की चीजों को उनकी स्वीकृति, मोहन का मतलब होता है कि इन सब चीजों जो भी कुछ उन्होंने ललित मोदी के लिए सुषमा जी ने करा है, या वसुंधरा ने जो भी उनके लिए करा है, जो भी डील हुई है। और राहुल गांधी ने तो सीधा सीधा पूछा है कि भाई बता दो, अगर आप ये कह दीजिए कि जो हमने हमारे 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 खानदान के किसी खाते में ललित मोदी ने पैसे नहीं जमा कराए, वो सीधा सीधा सब पूछ रहे हैं, आप उनको जवाब क्यों नहीं देना चाहते, उनसे जवाब से क्यों बचना चाहते हैं? ये तो अरुण जेटली जी वित्त मंत्री वो बता दें, होम मिनिस्टर है वो बता दें। आपका सबसे बड़ा दायित्व तो जो दल का मुखिया है, जो सरकार का मुखिया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तभी तो कोई बताएगा, आप तो जा ही नहीं रहे हो, दावा कर रहे हैं लगातार। नहीं आप बोले तब दें, प्रधानमंत्री दें तो पार्टी तो आप सुषमा स्वराज से संबंधित जो बात कर रहे हैं कि किस परिवार के लोगों को कोई आर्थिक पैकेज मिला है, क्या मिला है, लेकिन अगर आप संसद चलने ही नहीं देंगे, जवाबी संसद में नहीं लेंगे, तो जवाब दें कहां? पहले देखिए, इससे पहले भी ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपने अपने कल मंडी का मामला आया, हमने रिजाइन दिलवाया, बंसल जी का मामला हमने रिजाइन, ये आप पे जो आरोप और आरोप उसमें लगे, हम भी नहीं लगाए, आपके पार्टी के लोग, आप पहले रिजाइन क्यों नहीं करें? आप रिजाइन करें। आपको अपने साथियों पर भरोसा नहीं था, उनको शायद भरोसा है। क्यों प्रधान साहब ऐसे ही हैं? प्रधान साहब क्या कह रहे हो आप इन सारी बातों पर? कोई जवाब नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री गया में जाकर तो डीएमए तक की बात करते हैं, फिर उसके बाद प्रधान साहब प्रधानमंत्री बहुत कुछ कहते हैं। परसों उन्होंने कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड का एक नया फुल फॉर्म बता दिया, राष्ट्रीय जनता दल का बता दिया। दीपन जी, मैं सवाल मेरा इनसे प्रधान साहब से है इस बारे में, लेकिन लोकसभा जहां पूरी दुनिया के मतलब पूरे हिंदुस्तान के जनप्रतिनिधि बैठते हैं, वहां प्रधानमंत्री मौन क्यों है? वजह क्या है जो सब कांग्रेस सवाल कर रही है? देखिए, मैंने कहा ना, चर्चा कराइए जी, आपको जिस विषय पर चर्चा करनी है चर्चा कराइए, फिर आप मांग सकते हैं कि प्रधानमंत्री बोले जी। आप तो गौरवशाली इतिहास वाले हो, आप तो 60 साल आपका प्रधानमंत्री रहा है, आपको मतलब आप ऐसा पीछे पीछे जो आपने इनके प्रधानमंत्री के साथ किया है, आप वही तो कर रहे हैं ये जी। देखिए, हम लोग तो इनके हिसाब से बहुत ही सांप्रदायिक लोग हैं, हम लोगों में कोई गहराई नहीं है, पर ये तो बड़ी गहरी, आप तो राष्ट्रवादी है, आप तो राष्ट्रवादी, ये तो बड़ी गहरी पार्टी है, इनका इतिहास ही इतना गहरा है कि उसको नीचे तो कोई जा ही नहीं सकता, और वो ये कर रहे ओछापन हल्कापन पार्लियामेंट के अंदर हल्ला करवा रहे हैं, प्ले कार्ड लेके खड़े हो जा रहे हैं, और अगर उसको लेके अगर पार्टी वो मतलब माननीय अध्यक्ष महोदय लोकसभा से निष्कासित करती तो बड़े शहीद जैसे बाहर गांधी जी की मूर्ति के साथ। लेकिन आप शहीद होने भी तो देते हैं, आप वापस भी नहीं लेते हैं, आपने निलंबन वापस ही नहीं लिया, जितने दिन की अवधि थी पूरा कर किया आपने, आप भी बिल्कुल अड़े गए इस मामले में कि नहीं, ये जो एक बात प्राण जाए पर वचन न जाए। बड़ा जी, हमारा कहना है आपकी मांग करो, आपका डिमांड करो कि हमको निलंबन वापस करो, कर देंगे, तो मांगना तो आपको पड़ेगा ना। सत्ता पक्ष सरकार बड़ा दिल करके अगर वापस बुला भी लेती एक बार फिर बैठती, ऐसा भी तो कुछ किया जा सकता था। क्या कहते हैं दीपचंद जी, आप क्या कहें? देखिए, मैंने इससे पहले भी रिजवान भाई कहा था जी कि ये सरकार का काम होता है कि सदन किसे चलाएं जी। अरे लेकिन विपक्ष के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण जी, नहीं जी नहीं, ये आपको आपका मैं ये कह रहा हूँ, कहीं भी यहाँ प्रदेश के अंदर भी ये हुआ, आपने 12 तारीख चलना चाहिए था सदन, दो दिन में खत्म कर दिया, देश के अंदर ये हो रहा, वेंकैया नायडू जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है समन्वय बिठाने की, हमारी जो स्पीकर हैं उनको बुला करके बुलाए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ्लोर मैनेजमेंट का काम होता है, जो उनके मैनेजर है, संसद कैसे चले उसका संसदीय कार्य मंत्री को कम से कम सबको बुला करके सबसे बात करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहते प्रधानमंत्री ये बड़ा महत्वपूर्ण है, संसद कैसे चले? हाँ, लेकिन मुलायम सिंह
मुलायम सिंह का जो ये रुख है, मुलायम सिंह जी बड़ा अजब है। आप रिजवान भाई मुझे चुनाव आपके उस पर चुनाव तो दीजिए कि मुलायम सिंह जी ने क्या कहा। अरे प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया बाकायदा। प्रधानमंत्री दो दिन से दो दिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री तो कहीं भी कुछ भी किया आते हैं। आज दूसरा दिन है। नहीं मुलायम सिंह रिजवान भाई मुझे आज को नाराजगी जताइए ना, इस तरह नारा नहीं चलेगा। मैं आपसे मीडिया की सुर्खी में है खंडित। रिजवान भाई मुझे आपके चैनल पे दिखाइए कि मुलायम सिंह जी ने क्या कहा है, बीजेपी की सरकार के पक्ष में क्या बात दी है, क्या वक्तव्य दिया जिसका वो प्रधानमंत्री धन्यवाद दे रहे हैं। कांग्रेस के इस रुख पर नाराजगी जताई है कांग्रेस को। मुझे बताइए तो, और ये पहली बार नहीं हुआ है, अभी आप पहली बार नहीं हुआ है। शिवपाल यादव लगातार देखिए लगातार सुषमा स्वराज ने जो कुछ भी किया है देखो हाइपोथेटिकल बात करी नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं है। लेकिन शिवपाल यादव ने लगातार सुषमा स्वराज पर जो घेराबंदी कांग्रेस मुलायम सिंह जी क्या बोल रहे हैं, क्या क्या इशू है, किसके ऊपर धन्यवाद दे रहे हैं ये बताएं तो मुझे आप, या नरेंद्र मोदी बताएं या पूरी बीजेपी की सरकार बताए कि नरेंद्र मोदी जी के किस इशू पर। अरे आप अभी आप अपनी हर जगह पीठ थपथपाते रहते हैं, रिश्ते की गर्माहट अभी थोड़ी सी बची है। देखिए देश ये भी जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी से कि आपने नागा में समझौता करा, किन इश्यूज पे समझौता किया बताएं आपके पास कोई। आप दीपचंद यादव जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, हम शायद विषय से भटक रहे हैं, फिर हम नागा की तरफ जा रहे हैं ना। नहीं नहीं मैं बता यही है, मैं वही कह रहा हूं, यही है कि चलिए मुलायम सिंह जी क्या बताइए तो क्या बोला है प्रधान साहब आपके प्रधानमंत्री क्या बिना किसी कारणों के धन्यवाद दे देते हैं इस तरह से क्या मुलायम सिंह जी ने क्या क्या बताया। शलंत बिलान जी भी बता सकते हैं, हम तो बता ही रहे हैं आप सुन नहीं रहे, लेकिन शलंत बिलान जी भी बता सकते हैं जी। प्रधान साहब ये दीपचंद यादव जी वकील है जी, वो कह रहे हैं कोर्ट में बेगवाह खड़े होकर बयान दे जी। अब ये सब वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं मान रहे, वो बोले मुलायम सिंह जी को खड़ा करो और उन्होंने क्या बोला वो सुना, उसके बाद वो मानेंगे। बाकी उनके जो राम गोपाल यादव का बयान नहीं मानेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद नहीं मानेंगे, उनका तो कहना वकील है ना साहब जी, वो तो कोर्ट में थोड़ा देखिए थोड़ा इतना लंबा साथ रहा है थोड़ा थोड़ा तो अभी उस रिश्ते की गर्माहट कुछ बची है, तो शायद इस बात की मर्यादा रख रहे हैं। और या आज जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने दोबारा केंद्र सरकार पर एक हमला बोला है, जाति जो जनगणना है उसको लेकर, तो जाहिर सी बात है कुछ उम्मीद जागी है, हो सकता है कल तस्वीर कुछ और बदले, इसलिए दीपचंद यादव जी कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं और शब्दों के उसमें इर्द गिर्द चीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और दीपचंद जी इस बारे में मैं आपसे सवाल लूंगा, लेकिन एस एम विनोद साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से जुड़ गए। विनोद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देखते हैं मुलायम सिंह बहुत पिघल गए, बर्फ कुछ पिघली और मुलायम सिंह बहुत एक संकट मोचक की तरह सरकार के नजर आ रहे हैं। हाँ एक अलग बात है कि आज उन्होंने कुछ कहा जाति जनगणना को लेकर, लेकिन सरकार की मुसीबत तो कुछ कम हुई, आप क्या कहेंगे? हेलो जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए ये जो है यह विपक्ष की अपनी एक रणनीति है जी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में कांग्रेस होने के बावजूद उसके मात्र 44 उसके सांसद हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा गया जो संसद में जो गतिरोध बना रहा है तो उसका नेतृत्व तो कांग्रेस के हाथ में चला गया था। और जहां तक मुलायम सिंह यादव की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं, पूरा देश जानता है। यह उन्हें कहीं ना कहीं साल रहा था वो नेतृत्व की बागडोर दूसरे के हाथ में जारी विपक्ष की, तो वो चूंकि मुद्दा ऐसा था और एक दिखाना था पूरे देश का जो मानस ऐसा बन गया था कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जो चाहे कर रही है मनमानी कर रही है, सारी नियमों को ताक पर रखकर कर रही है, इसलिए एक जोड़ जिसको बदले धक्का देने के लिए उन्होंने एक नीति अपनाई में बहस होनी चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे एक जनमानस बन रहा था कि संसद में बहस हो यह चल रहा था, तो उसका एक लाभ उठाते हुए उन्होंने यह पकड़ लिया कि नहीं जो कांग्रेस को जो बात कहनी है वो संसद में कहे बहस हो और नहीं तो फिर हम साथ नहीं देंगे। यहाँ पर
जो अगर बोलिए तो जीत होती है तो सत्ता पक्ष की जीत हुई, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी के जो संसदीय कार्य मंत्री और जो लोग हैं वो बहुत बुरी तरह विफल रहे थे, लेकिन इस मुद्दे पर वो थोड़ा सफलता उनको मिल गई कि विपक्ष में उन्होंने फूट के बीज बो दिए। और अब देखिए स्थिति क्या है, आज जो जीएसटी बिल का मामला आया, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी बता देना चाहूंगा कि 2008 में यह बिल यूपीए सरकार ने लाई थी, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर जब यही नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जो उन दिनों मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने कई बहाने निकालकर इसका विरोध किया था, ये लोग विरोध करते आए थे। अब कांग्रेस क्या कह रही है कि हम समर्थन देने को तैयार है, जीएसटी बिल पर उनका विरोध नहीं है, वो प्रक्रिया के ऊपर उनकी बात है। जो सही बात है कि उन्होंने घोषणा कर दी कि आज उसको सदन में 2 बजे हम रखेंगे। ये सारे जो निर्णय होते हैं पार्लियामेंट के बिजनेस एडवाइजरी कमिटी से होते हैं, उसके ऊपर चर्चा की। यह एक बहुत ही खतरनाक बात हो रही है, ये वर्तमान कार्यकाल में जो सरकार का है उसमें संसद का है, लोकतंत्र का है, सारे नियम कायदों को भी ताक पर रखते चले जा रहे हैं। इसका विरोध कांग्रेस ने किया, इनको फिर नेतृत्व को मौका मिल गया। ऐसे में मुलायम सिंह का यहां साथ नहीं देना, अंततः क्या होगा कि विपक्ष कमजोर है और कमजोर होगा भी लगा था कि विपक्ष एक मजबूत हो रहा है, एक मुद्दे पर सभी एक मंच पर आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। मुलायम सिंह के कारण क्या हो रहा है कि विपक्ष और कमजोर होगा, जो लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगा। आपको क्या लगता है मनोज साहब, बिहार को आप बहुत नजदीक से जानते हैं, आपको क्या लगता है जनता परिवार एक हो रहा था, पहले चुनाव चिन्ह भी एक हो रहा था, अब चुनाव है और जी चुनाव भी है और मुकाबला भी है बिहार में इसी जनता परिवार का, और मुलायम सिंह का इस दौर में ये रुख आप इसको कैसे देखते हैं, वो भविष्य की उन संभावनाओं पर भी असर, बिहार के चुनाव पर मुलायम सिंह का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, प्रतिकूल अकुल कहीं भी नहीं, लेकिन मुलायम सिंह का ये रुख, ये जो जनता परिवार में एका की बात थी, जनता परिवार का एक चुनाव चिन्ह होने की बात, परिवार और राष्ट्रीय स्तर बात हो रही है, लेकिन वहाँ जो है वहाँ मुलायम सिंह यादव की पार्टी नहीं है, वहाँ पर लालू यादव है। उनका ये रुख जो है वो कैसा लगता है ऐसे समय पर, ये जो उनका रुख है, नहीं वहां पर देखिए वहां जो समीकरण है जो और जो राजनीतिक जरूरत है और बल्कि मजबूरी कहिए, वहां ये नीतीश कुमार लालू यादव की जो भी मजबूरी हो वो लोग को साथ अब रहना ही है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए हुए है, उनको जवाब देने के लिए और चुनाव में कुछ कर दिखाने के लिए यह उनकी मजबूरी है कि दोनों साथ रहेंगे। मुलायम सिंह यादव के इस रुख का कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप देखिए वहां पर दूसरी बात क्या हो गई है, क्या अगर जैसे मैंने शायद आपके कार्यक्रम पहले कहा होगा कि जो पेश था ये गठबंधन का ईमानदारी के साथ एक दूसरे का वोट जो है ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये इसे एक विडंबना कहेंगे कि दो वहां चुनावी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, उसके बाद जो है स्थिति वो ये बन रही है कि धीरे धीरे उन दोनों का गठबंधन और मजबूत हो रहा है। अभी मैं बिहार पे था, मैं कल ही वापस लौटा हूँ, मैंने देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, आपका एक सम्मान भी हुआ था, हमने उसे पढ़ा था, वहाँ एक सम्मान भी हुआ। जी तो ये स्थिति है, तो ये जो है एक विडंबना इसको मानेंगे और भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक चूक मानेंगे कि इनके कारण वो गठबंधन मजबूत हो रहा है और उनके मतदाता की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल असल विनोद साहब, बस आखिरी सवाल मेरा इस पूरे मामले पर यही है कि भविष्य में जनता मुलायम सिंह का ये रुख, मुलायम सिंह का जो ये रुख है, इसका जनता परिवार के विलय में किस तरह का असर डालेगा ये मुलायम सिंह का ये रुख? नहीं, मुझे नहीं लगता है, यह जो निर्णय जो ये थोड़ी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात थी, और मुलायम सिंह यादव को जनता परिवार ने अपने नेता पहले चुन लिया है, वहां तो कोई चुनौती है नहीं, और वहां पर कांग्रेस नहीं है, ध्यान रखें, बिल्कुल जनता बिल्कुल, परिवार बिल्कुल, में कांग्रेस नहीं है, यहाँ कांग्रेस के साथ की बात, बिल्कुल धन्यवाद, इसलिए जनता परिवार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। धन्यवाद असल मनोज साहब, आप हमारे साथ जुड़े। बीच में आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार है, समीक्षक है राजनीतिक असल विनोद साहब, और बहुत साफ कहा उन्होंने मुलायम सिंह का जो पूरा रुख है इस पूरे मसले पर, आप कुछ कहेंगे कि अभी भी? मैं अभी भी बहुत ही स्पष्ट करना चाहूंगा कि मुलायम सिंह जी बहुत मजे हुए परिपक्व राजनीतिक हैं और वे राष्ट्र का हित, अपनी पार्टी का हित, अपने प्रदेश का हित, प्रदेश की सरकार का हित
पूरी अच्छी तरह से समझते हैं और इसके साथ में और साथ में ये भी वो समझते हैं कि वे सांप्रदायिक शक्तियों को कभी भी ताकतवर नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका पूरा जीवन सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए रहा है, गुजरा है, और वे जो भी सेकुलर जो ताकतें हों उनके साथ मिलकर काम करेंगी, उनको मजबूत देंगी। तो ये एक भ्रम पालना सपा के वो सांप्रदायिक शक्तियों का कोई प्रवक्ता नहीं मानता, सपा का कोई प्रवक्ता नहीं है हमारे साथ। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो टेलीफोन लाइन पर हम किसी को जोड़े इस मामले पर, और मुलायम सिंह के रुख से शायद आखिरी समय पर समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता या महासचिव हैं यहाँ, वो शायद कोई उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाए। और कोई भी नेता इस मामले में कुछ कहना नहीं चाह रहा। हमने लगातार संपर्क साधने की कोशिश की है पीसीआर से। मैं एक बार फिर कहूँगा कि एक बार फोन लगाएं और फोन लाइन की घंटी भी सुनाएं कि समाजवादी पार्टी में सन्नाटा है मुलायम सिंह के इस रुख से, और खासतौर से प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से कर दिया। लेकिन दीपेंद्र यादव, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। फिर मैं आपसे कहूंगा कि जो शगुफा प्रधानमंत्री जी ने उनका धन्यवाद देकर छोड़ा है, उससे कितना सन्नाटा हो गया समाजवादी पार्टी में। आप उनके कुछ कहने को तैयार नहीं है और लगता है कि आप आपसे ज्यादा बेहतर कहने वाला मिलेगा, इसीलिए आपके भरोसे उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी। या उनको नरेंद्र मोदी जी कह दें कि हमने इस बात के लिए शुक्रिया अदा करा है। जी बिल्कुल, इस बात है, मीडिया में कवरेज हो रहा है, लगातार कवरेज हो रहा है, धन्यवाद दिया है, बिल्कुल स्पष्ट है, धन्यवाद। उन्होंने कांग्रेस से कहा है कि आप सदन नहीं चलने देंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। देखिए बिल्कुल स्पष्ट कहा है, मुझे बताइए। अरे ये तो गजब हो गया, मैं खंडन नहीं कर रहा है कोई, इसलिए दो महीने सन्नाटा है समाजवादी पार्टी में, कोई बात भी कहने को तैयार नहीं। कल से मैं पूरे चैनल देखता हूँ, अपने वो पढ़ता हूँ, किसी चैनल पे मुलायम सिंह जी को ये कहते हुए मैंने नहीं सुना कि हम कांग्रेस का साथ लेंगे। खंडन कर रहा हूँ, सुना कांग्रेस कल से खंडन करते हुए तो आपने नहीं सुना है। नहीं नहीं देखिए, खंडन तो कायदे कुछ कह भी नहीं रहा, आपने लगातार कोशिश की है। फिर अभी गलत नहीं सुना है, प्रधानमंत्री धन्यवाद कायदे धन्यवाद दे रहा हूँ उनको बताते हैं। आप भी क्या करें, इसलिए कि कांग्रेस को साथ भी चाहिए, विपक्ष की लीडरशिप भी चाहिए। मैं फिर मुलायम जी कांग्रेस की इस स्थिति पर क्या कमेंट्स करें। मुलायम सिंह जी पर मुझे पूरा भरोसा है कि वे कभी भी सांप्रदायिक पार्टी से, सांप्रदायिक शक्तियों से आप समझौता नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे। वो हमेशा सेकुलर शक्तियों के साथ रहेंगे, उनको मजबूत बनाएंगे। आपको और उनको दोनों को यही कहना पड़ेगा, इसलिए कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है और वो सन्नाटे में है, मौन है। प्रधान साहब, इस तरह की जो राजनीतिक परिस्थिति बनती है, प्रधानमंत्री ने धन्यवाद करके नहीं देखिए, जो कहते हैं प्रधानमंत्री बड़ी कंजूसी करते हैं धन्यवाद या इस तरह की चीजों को करने में, लेकिन आज बड़े खुले दिल से उन्होंने पूरी संसदीय दल के सामने उन्होंने बड़ा धन्यवाद दे दिया। और राजीव प्रताप रूड़ी ने सबसे आगे बढ़कर ये कहा, बड़ा शानदार है। मतलब कुछ नए राजनीतिक समीकरण या कुछ अंदाज ही अलग है इसका। आप इस तरह की जो कांग्रेस की स्थिति है और समाजवादी पार्टी का जो मौन है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, संसद की गरिमा के लिए माननीय मुलायम सिंह जी ने जो बोला उसका स्वागत हर बुद्धिजीवी को, हर प्रजातंत्र के समर्थक को करना चाहिए कि प्रजातंत्र में संसद की गरिमा बरकरार रहे और ये गौरवशाली इतिहास वाली पार्टी के नेता इसको खंडित ना करें, इसको दूषित ना करें, इसका निश्चित ही स्वागत करना ही चाहिए। मतलब आज तो मैं हमारे साथ लखनऊ से हमारे पॉलिटिकल एडिटर आरसी भट्ट भी जुड़ गए, उनसे मैं पूछूंगा। लेकिन प्रधान साहब और दीपचंद यादव जी, आज तो मैं कहूंगा कि मुलायम सिंह जैसा ही नेता हो, क्या भाग्यशाली है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और कांग्रेस उनके इस तरह के व्यवहार के बाद भी जो कांग्रेस उनके बारे में उनका बचाव कर रही है, गजब है। मतलब मुलायम सिंह का क्या भाग्य है। आरसी भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे? पूरे समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा है, संसद में जिस तरह का रुख मुलायम सिंह का रहा है उसको लेकर कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा है, वहां क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में?
निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा मौका मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से उन्होंने संसद में उनके स्टैंड का समर्थन किया है, लेकिन एक दूसरा भी पहलू है इसका जो देश हित में है। खासतौर पर क्योंकि लोकसभा चलनी है, तमाम विधेयक पास होने हैं, मुलायम सिंह को यह लगने लगा था कि अब काफी हो चुका है। जिस तरह से कांग्रेस का विरोध रहा है, विरोध से वो विरोध कहीं कहीं देशहित में नहीं है और जनहित में नहीं है, और दूसरे जिस तरह से लोकसभा जिस तरह से लगातार अनादर हो रहा था उससे वो कहीं व्यथित थे, और उनको अपना स्टैंड बदलते हुए, हालांकि वो साल यूपीए के पार्ट रहे और लगातार आरोपों को झेलते रहे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन इसके बाद भी एक कदम आगे जाकर उन्होंने जिस तरह से कहीं ना कहीं अप्रत्याशित बयान दिया खासतौर पर, और उन्होंने कांग्रेस की निंदा की, तो निश्चित रूप से बीजेपी की बातें खेल रही। यहाँ हमारे साथ दीपचंद यादव है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, उपाध्यक्ष है, और वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया सामने नहीं आया अभी तक। दो दिन से वो टीवी का लगातार मुजाहरा कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ आ ही नहीं रहा। आप क्या कहेंगे इनका, इनका कुछ तो जो इनकी मतलब शंका है उसको लेकर, जो अविश्वास है कि मुलायम सिंह ने ऐसा नहीं कहा है ये कहना, मतलब कुछ हद तक ये ऐसा कह रहे हैं, हाइपोथेटिकल है ये सवाल, इन्होंने ये भी कहा है, आप क्या इनको बताए ना कुछ कि क्या कहा है मुलायम सिंह ने? नहीं, सीधे तौर पर उन्होंने संसद को चलने की बात कही है, वो गतिरोध जो बना हुआ है उस गतिरोध पर कांग्रेस का उन्होंने समर्थन नहीं किया है, क्योंकि आम तौर पर लगातार जिस तरह से लोकसभा में शिवराज सिंह चौहान के मुद्दे को लेकर, सुषमा स्वराज के मुद्दे को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने गतिरोध बनाया था, और तमाम विधेयक जो लंबित हो रहे थे क्योंकि सत्र जो है वो तीन दिन का रह गया है, तो उसको लेकर जो है सीधे तौर पर एक उनको भी लगने लगा था मुलायम सिंह को कि अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि देश हित में तमाम काम बाधित हो रहे हैं। जस्टिस बिल भी आरसी भट लखनऊ के या उत्तर प्रदेश के समाजवादी के जो दिग्गज नेता है वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? वो सीधे तौर पर इसको समर्थन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लेकिन कोई बात करने को क्यों तैयार नहीं हो रहा है, कोई किसी का कोई बात सामने नहीं आ रही, कोई सामने नहीं आ रहा। आज प्रधानमंत्री ने इतनी तारीफ कर दी उसके बाद भी चुप है, सन्नाटा क्यों है इतना? निश्चित रूप से चूंकि मुलायम सिंह सपा के सर्वोच्च लीडर है और लोगों को लगता है जब उनके द्वारा भी कोई खुद कई बार पूछा जाता है यहाँ के स्टेट लीडरों से, तो वो कहते हैं कि इस सारी चीजों का निर्णय मुलायम सिंह जो लेते हैं वही सही है, और इन्होंने जो आपका रिकॉर्ड उन्होंने हमसे बात की और उसमें सीधे तौर पर यह कहा कि जो ये निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल सही है, नेताजी ने जो निर्णय सही है। हमारे साथ जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को आपने हमारे साथ साझा किया, लेकिन कोई ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं कह रहा, सब ऑफ द रिकॉर्ड ही कह रहे हैं, और इसी का फायदा कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है। दीप चंद जी लगातार इससे बचना चाहते हैं, लेकिन देखिए आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं दीप जी, और आपने बहुत इन चीजों को बहुत नजदीक से देखा है, आपको नहीं लगता है कि मुलायम सिंह का जो ये रुख है इसने आपके विरोध को कहीं ना कहीं कमजोर किया है? देखिए अभी इतने वरिष्ठ पत्रकार और जो उत्तर प्रदेश को ही बिलोंग करते हैं उन्होंने भी बचते हुए कहा कि उन्होंने सीधी तरह से कुछ नहीं कहा और पॉजिटिव कोई बात नहीं की, और उन्होंने जो मैं कह रहा हूं वही बात करी। लेकिन आज जी बिल्कुल आपका भी जो आज रुख है ना तो कांग्रेस के उसी तरह का बिल्कुल अडिग रुख है कि लोकसभा नहीं चलने देंगे, राज्यसभा नहीं चलने देंगे, खासतौर से लोकसभा नहीं चलने देंगे, भले 25 को बाहर निकाल देंगे। आपका आज रुख भी लोकसभा का, दीपचंद जी आपसे मैं अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा, अगर इस पूरे मामले में मुलायम सिंह का जो रुख है उसकी वजह से कहीं विपक्ष का अभियान कमजोर तो नहीं होगा? जीएसटी को लेकर जो सत्ता पक्ष का जो रवैया रहा है, पहले इसका विरोध करती रही है, और इवन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध किया था, प्रधानमंत्री है और उनके दौर में वो पास होने जा रहा है, इन सारी इस प्रक्रिया को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, और इस पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी क्या है मुलायम सिंह के रुख को और कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुलायम सिंह जी का जहां तक प्रश्न है मेरा पूरा विश्वास है कि कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे आप बाकी और बाकी सारी चीजों को लेकर आते हैं, हाँ कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे सारे और दूसरा सवाल जो मेरा है संसदीय प्रणाली किसी तरह से कमजोर हो जी, और बाकी दूसरा सवाल जो केंद्र सरकार का जो रुख है जीएसटी को लेकर और आपका जो रुख है
उस पर क्या कहें? देखिए केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट कैसे चले, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से फेल हो गई है, क्योंकि उसका काम, और जो भी अगर कहीं कोई बिल पास नहीं होते हैं उसके अंदर केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी होगी, उसमें नरेंद्र मोदी जी होंगे, वेंकैया नायडू भी होंगे, या जो उनके फ्लोर मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं वे सब उनकी फेल्यूर है, उनकी जिम्मेदारी है सदन कैसे चले। तो मैं ये कहूं कि इसमें, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह संसद को चलाने के लिए पूरी अक्षम साबित हुई है। शैल कुमार जी, मुलायम सिंह आपके पक्ष में है, विपक्ष का जो महाअभियान है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, आपके लिए तो अच्छी खबर है, सुखद है, और आपके लिए भी, और अगर आप कहते हैं कि देश हित में संसद चलना जरूरी है तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। और लेकिन जीएसटी पर जो आपका, आपके प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, जो उनका रुख था, अचानक हृदय परिवर्तन हो गया, सारी चीजें बदल गई, और इसी को कांग्रेस ने आज इस बात को भी उठाया था। तो राजनीति में ये क्या तरीका है कि जब दूसरा रूल करे तो उस समय आप करने ना दें, और फिर अपने समय कहें कि ये देश हित के खिलाफ है और ये देश हित में जरूरी है? तो ये जो तरीका है राजनीति का, ये आज तक ये जो तरीका बदल गया, नया अंदाज हो गया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, संसदीय कमेटी जो चीज सेलेक्ट कमेटी निर्णय लेती है उसमें सबका मत और उस समिति से ये सहमति बन के आई है कि ये पूरे सदन का मत है, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का मत नहीं है। प्रक्रिया पर ही सवाल उठे थे इस समय, प्रक्रिया पर भी ये सवाल उठे थे कि जिस समिति के माध्यम से, जिस तरह से फ्लोर पे उसे लाना चाहिए था, सरकार ने उस प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया, ऐसे में लोग यही कह रहे थे। नहीं देखिए, कार्य मंत्रणा समिति में ये विषय अगर 3 हफ्ते तक सदन नहीं चलेगा और उसके लिए फिर से एक दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई जाए और फिर दूसरे दिन लाया जाए, तो अब 2 दिन बचे हैं संसद को। अगर कांग्रेस चाहती है कि बिल पास ना हो, और वो क्योंकि विपक्ष में है और फिर सदन में हल्ला करने लगते हैं कि सदन की कार्रवाई ना हो, तो ये तो आपने उसके दूसरा तरीका तोड़ ढूंढा है। चेयरमैन प्रधान साहब आप हमारे साथ जुड़े, दीपचंद यादव आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार अचानक पूरे विपक्ष की नाराजगी का निशाना बनी और मुलायम सिंह नरम क्या पड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके तारीफ के पुल भी बांध दिए। ये राजनीति है, शेर और मात का खेल जारी रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को इस खेल में क्या फायदा हुआ है और देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने दोस्त रिजवान अहमद सिद्दीकी को कल तक के लिए दीजिए इजाजत।